पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जन आक्रोश यात्रा में मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। सिंगरौली जिले के चितरंगी से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में निकाली जा रही है। कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश में भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया और करप्शन के कई आरोप लगाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को जगाने का कार्य जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। 18 वर्षों से जनता को शिवराज सिंह ने ठगा है। जिस तरह का आज प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं बची जी। जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर तबका हम समझते हैं कि परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्ष की सरकार में सिर्फ कुशासन रहा है। आज कर्मचारी वर्ग आंदोलन में थे, 18 वर्षों में इन्होंने कोई काम किया नहीं। अब जब चुनाव नजदीक आया तो बोलते हम ये भी कर देंगे, डेली कुछ न कुछ प्रलोभन दे रहे हैं। जो निकम्मा व्यक्ति 18 वर्ष में जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो अभी चुनाव के समय क्या कर देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।